गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं इवन अल्फाबेट्स वर्सेस ऑड अल्फाबेट्स। तो इसके रूल्स भी हम लोग समझेंगे। तो लेकिन अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। और आप किस टीम का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए। तो गाइस चलिए इसके रूल्स समझ लेते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि ऑड अल्फाबेट्स का एग्जांपल लें तो इनका फुल नेम ए से स्टार्ट होता है, वो ऑड अल्फाबेट्स में जाएंगे क्योंकि ए फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट ऑड होता है। वैसे सी थर्ड होता है, थर्ड क्या होता है, ऑड होता है। तो इस तरीके से मैंने पूरी टीम डिवाइड किया है। तो ये स्क्रीन में जो भी अल्फाबेट्स दिख रहे हैं वो ऑड अल्फाबेट्स हैं और जो जिन क्रिकेटर्स का नाम भी इन अल्फाबेट्स के स्टार्ट होता है वो ऑड अल्फाबेट्स की टीम में जाएंगे। और उसी तरीके से बी सेकेंड लेटर होता है, सेकेंड ई होता है इवन अल्फाबेट्स है और डी फोर्थ होता है, तो फोर्थ क्या होता है इवन हुआ और इसलिए डी भी इवन अल्फाबेट्स हुआ। तो चलिए गाइस बिना कोई देरी किए हुए इवन टीम बनाते हैं। तो ओपनर्स में रखा रोहित शर्मा को जो इस टीम की कैप्टनसी करेंगे और जॉस बटलर को जो इस टीम की विकेट कीपिंग करेंगे। बहुत अच्छे ओपनर्स हैं दोनों। और नंबर थर्ड पर मैंने रखा विराट कोहली को, विराट कोहली के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नंबर फोर्थ पर मैंने रखा डेविड वार्नर को, नंबर फिफ्थ पर रखा जॉनी बेस्टो को, नंबर सिक्स पर मैंने रखा बेन स्टोक्स को। मिडल ऑर्डर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब वहीं हम लोग मिडल लोअर ऑर्डर की बात करें तो मैंने रविंद्र जडेजा को रखा है और जिमी निशन को रखा है और फिर मैंने रखा जोफ्रा आर्चर को और ये भी बहुत बैलेंस लग रहा है और जोफ्रा आर्चर बाउंसर से उसी टीम को परेशान कर सकता है। और फिर मैंने रखा दो बहुत ही मेन बॉलर्स को जो कि राशिद खान और जसप्रीत बुमराह। राशिद खान इस टीम के मेन स्पिनर होंगे और जसप्रीत बुमराह इस टीम के फास्ट बॉलर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या और टीम में इतना दम है कि वह इस टीम को हरा सके। दम तो होगा क्योंकि मैंने ओपनिंग पर रखा है क्रिस गेल और एरन फिंच को, दोनों एक बहुत अच्छे ओपनर हैं T20 में। नंबर थर्ड पे मैंने रखा है केन विलियमसन को और नंबर फोर्थ पे मैंने रखा है एबी डिविलियर्स को। केन विलियमसन तो बहुत कंसिस्टेंट है के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। नंबर फिफ्थ पे मैंने रखा है एमएस धोनी को जिस टीम की कैप्टनसी और विकेट कीपिंग करेंगे। नंबर सिक्स पे मैंने रखा है कायरन पोलार्ड को, ये फिनिशिंग पावर दोनों देंगे। फिर मैंने रखा है लोअर और मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मैंने रखा है ग्लेन मैक्सवेल जो इस टीम की स्पिन बॉलर भी हो सकता है और फिर मैंने रखा है आर रशीद को जो इस टीम के मेन स्पिनर होंगे। तो अभी तक तो बहुत खतरनाक लग रही है ये टीम। और फिर मैंने रखा कि ईशो रबाडा और मिचेल स्टार्क का बेस अटैक भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी है इस टीम की भी। तो और मैंने आखिर में रखा है मैट हेनरी को। तो दोनों टीमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तो दोनों टीमों के लिस्ट देखें तो इवन अल्फाबेट्स की बात करें तो रोहित शर्मा जॉस बटलर जो इस टीम की विकेट कीपिंग करेंगे, रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, विराट कोहली डेविड वार्नर जॉनी बेस्टो बेन स्टोक्स जेमी नेशम रविंद्र जडेजा जोफ्रा आर्चर राशिद खान जसप्रीत बुमराह इवन अल्फाबेट्स तो बहुत खतरनाक लग रही है। वहीं ऑड की बात करें तो क्रिस गेल एरन फिंच केन विलियमसन एबी डिविलियर्स एमएस धोनी जो इस टीम की कैप्टनसी विकेट कीपिंग करेंगे, कायरन पोलार्ड ग्लेन मैक्सवेल अल रशीद की ईशो रबाडा मिचेल स्टार्क मैट हेनरी। तो दोनों टीमें आपके सामने हैं, किस टीम को आप सपोर्ट करें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे सेकंड चैनल क्रिक चैट को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।